सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर को। देखिए, आपसे मिरर का डायग्राम नहीं पूछा जाता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, कैसी उसकी इमेज बनेगी, ये कभी भी नहीं पूछा गया है। बेसिकली पूछा ये जाता है कि इमेज जो बन रही है उसका ये जो सॉरी जो कॉनकेव मिरर है इसका क्या यूज होता है, या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या फिनोमेना होता है। अब क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जो ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, वो एक तरीके से भूखा इंसान है। भूखा इंसान है, हर तरफ से खाना आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो बेसिकली ये अवतल दर्पण क्या दिखा रहा है हमारा कि ये एक भूखा इंसान है, इसके अंदर हर दिशा से खाना आ रहा है और ये लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। तो जो कन्वर्जिंग मिरर क्या होगा, ये जो रेज हैं ये हमारी जब यहाँ जाएंगी तो कन्वर्ज होंगी और एक जगह आके मिलेंगी। जब मैंने प्लेन मिरर बताया था तो प्लेन मिरर में मैंने आपको डायग्राम के साथ ये बताया था कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे हैं रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर भी आपको मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रही हैं, बल्कि आपको क्या दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी पे जा रही हैं, ह्यूमन आई के अंदर जा रही हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिकली। बट अगर यहाँ ह्यूमन आई हम नहीं भी रखें तो भी हम क्या देखेंगे कि ये रेज जो है कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रेज हैं ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो इस एफ या फोकल पॉइंट पर बनेगा। फोकल पॉइंट नहीं पूछा जाता इसलिए ये टर्म्स मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया है। बेसिकली जो है यहाँ पे हमारा इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हमारा मिरर के आगे बन रहा है। एक्चुअली ये जो है रेज आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में हो रहा है, हम इसको पीछे से कुछ नहीं, हम वर्चुअली कुछ नहीं इमेजिन कर रहे हैं। जो कि हमने उसमें क्या देखा था, वर्चुअली इमेजिन कर रहे थे कि मिरर के पीछे ले जाके जो है आपस में रेज कट रही हैं और वहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअली मीट इस पॉइंट पर कर रही हैं जिसकी वजह से यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रियल इमेज, क्योंकि ये हमारे मिरर के सामने बन रही हैं। तो कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी होता है। मतलब भूखा पेट है, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ, हम सभी ले जाके अपने पेट में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है, परावर्तित सतह कहाँ थी, अंदर की तरफ थी, परावर्तन या रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो रहा था। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर मेड मेनली टू डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस। अब हमारा जो इमेज कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, जैसे कि हमने क्या देखा था, प्लेन मिरर हमारा हमेशा किस तरीके का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा था। साइज कहती कैसी थी, सेम साइज की थी, जितनी हमारी साइज है उतनी ही उसकी इमेज की भी साइज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मामला है। यहाँ पे क्या होता है, जितनी दूर जो है हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से उतनी छोटी इमेज बनाई पड़ेगी बनेगी। तो चलो भाई ये बात तो समझ में आ गई, हमें भी ये बात समझ में आती है कि जो वस्तु हमसे जितनी दूर रखी होती है उतनी हमें छोटी दिखाई पड़ती है। वैसे ही हमने इसको भी इसके साथ जो कोरिलेट कर लिया कि जितनी दूर वस्तु रखी होगी उतना छोटा इमेज बनेगा। अब छोटा तो बनेगा, और हमने देखा कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, रियल बनाता है। तो अब ये वर्चुअल और इरेक्ट वाला क्या मामला आ गया, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा। ये तो जो है सीधे सीधे जो है प्लेन मिरर वाला इमेज शो कर रहा है। तो हाँ, जब वस्तु हमारी कोई भी वस्तु कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के पास आती है, पास रख के देखते, एकदम ऑब्जेक्ट के पास मिरर रख के हमने देखा, तो क्या होगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। मतलब
आभासी और सीधी बनेगी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये मतलब सीधे सीधे है कि जब कॉनकेव मिरर हमारा एकदम पास में आ जाएगा किसी वस्तु के, तब वो प्लेन मिरर की तरह काम करने लगेगा। तो अब लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है तो फिर हम उसको ही क्यों यूज करें, प्लेन मिरर को यूज क्यों ना कर लें। नहीं, बात क्या होगी, जो इमेज होगी वो हमारी एनलार्ज बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो ये बात हमारे ध्यान देने के लिए है, क्योंकि जो इसका अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा इसी पॉइंट से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेविंग मिरर में या दाढ़ी बनाने में जो आप मिरर यूज कर रहे हैं वो किस तरीके का मिरर होता है। तो वो हमारा, क्योंकि शेविंग मिरर में ऐसा तो है नहीं कि भाई हम दूर से रख के दाढ़ी बना लेंगे, मिरर तो हमें पास में रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हम ऐसा मिरर यूज करेंगे जो कि बड़ी इमेज दिखाए, बड़ा प्ले। अगर हम प्लेन मिरर रखेंगे तो क्या, जितनी बड़ा हमारा चेहरा है उतनी बड़ी इमेज हमें दिखाई पड़ेगी, लेकिन हमें तो क्या है, प्रिसाइजन के साथ काम करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें बड़ी इमेज देखनी है। तो बड़ी इमेज कब देखनी है, जबकि हमें कोई एक ऐसा मिरर चाहिए जो कि इमेज हमारी जो है बड़ी दिखाए और साथ में क्या है, हम उसको क्लियरली देख सके। तो क्या होगा, यूज एज अ शेविंग मिरर, मतलब जहां जहां पर भी। देखो ये याद करने की चीज नहीं है, क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, बट बेसिकली जहां पर भी आपको ये लगे कि हमें यहाँ बारीकी से कोई चीज देखनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है कि आप कितनी चीजें याद रखोगे कि यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ कॉनकेव मिरर है, यहाँ अवतल दर्पण यूज हो रहा है। नहीं, जहां पे भी आपको प्रिसाइजन के साथ देखना है वहां पे आपको कॉनकेव मिरर को यूज करना होगा। इसी के साथ हम और एग्जाम्पल अभी देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लें। हालांकि ये जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है, ना मुझे दिखा है। आगे हम इस टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको हम एंटरटेन करेंगे। तो बस ये हमें देखना है, इसकी कोई भी रे डायग्राम नहीं देखना है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फार ऑफ डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर रखा गया है। तो आपको भी अब पता है कि कैसा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अब जैसे जैसे मिरर पास आता जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की दूरी पास आती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, इमेज हमारा जो है थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा। अब ऑब्जेक्ट हमने जो है ग्रेटर देन द ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब वस्तु अगर केंद्र बिंदु से दोहरी दूरी से अधिक दूरी पर रखा हो, मतलब बहुत अधिक दूरी पर रखा हो, मतलब इन्फिनिटी पे कहीं रखा है, हमें डिस्टेंस ही नहीं पता कि कहाँ पे रखा हुआ है, तब तो एकदम जाहिर सी बात है कि जो इमेज है हमारा वो बहुत छोटी बनेगी। बट अब हमें डिस्टेंस पता है, फिर भी कितनी है, दूरी से अभी भी वस्तु हमारा दूर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमारा कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड तो बनेगा बट हमारा जो है स्मॉलर बनेगा। अब मच स्मॉलर ना बन के स्मॉलर, बहुत अधिक छोटा ना बन के छोटा बनने लगेगा। फिर है वस्तु अगर केंद्र बिंदु तथा उसकी दोहरी, तब क्या हो, दोहरी दूरी के बीच रखी गई हो तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। अब क्या हो रहा है, वस्तु हमारी और पास लाई जा रही है, तो अब रियल बनने लगेगा, रियल बना, अभी भी उल्टा बना और वस्तु से थोड़ा बड़ा बना। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि वस्तु अगर अवतल दर्पण के पास रखी हो तो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। यही वाला पॉइंट है जिस पे कि आपका पूरे यूजेस डिपेंड करते हैं, और इसी पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर को अगर हम पास रखते हैं तो इमेज हमारी बहुत बड़ी बनती है, क्लियर बनती है, तो हम उससे क्या करते हैं, प्रिसाइजन के साथ हम काम कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो इसके यूजेस पे आता है कि जो हमारी टॉर्चेस होती हैं,
या फिर हेडलाइट होती है व्हीकल्स की, उसमें क्या होता है कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें क्या होता है हमें एरिया को क्लियर देखना होता है। अगर हम उसको प्रिसाइजन के साथ फोकस के साथ नहीं देखेंगे तो हमें चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। उसके बाद है फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं इस कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं, मतलब ENT के जो डॉक्टर होते हैं, आईज नोज और थ्रोट के डॉक्टर, जब इनको अंदर देखना होता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो गई है, तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी ENT के डॉक्टर को कि अगर वो कान देख रहा है तो वो आँख के पास लगा के एक अंदर जो है डालता है और उस मिरर से अंदर जो है वो देखता है, तो उस वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिससे वो अंदर देख रहा है उसके अंदर जो मिरर लगा होता है वो बेसिकली कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि वो एक बड़ी इमेज कान के अंदर की दिखाएगा। उसके बाद जो डिश होते हैं, डिश एंटीना होते हैं, डिश एंटीना का जो शेप होता है वो हमारा कैसा होता है, इसी तरीके का होता है, अंदर की तरफ चपटा हुआ होता है। तो इसका भी काम क्या होता है कि ये क्या करता है, जब लाइट सिग्नल्स आएंगे, टीवी सिग्नल्स आएंगे, तो ये इसको क्या करेगा कन्वर्ज करके एक जगह ले जाएगा, ताकि क्या होगा सिग्नल क्लियर आ जाए। अब अगर डाइवर्जिंग मिरर होगा जो कि हम आगे देखेंगे, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो क्या करेगा, सिग्नल आया सिग्नल फेंक दिया, सिग्नल आया सिग्नल फेंक दिया, सिग्नल मिला ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा टीवी हमारी चलेगी ही नहीं। तो हमें इसीलिए डिश एंटीना का शेप भी कैसा होता है, प्लेट की तरह होता है, या जो कि अंदर की तरफ क्या होता है घुमा हुआ होता है, जो कि एक अवतल दर्पण के शेप में होता है। मतलब क्या हो गया, इस बात से क्या समझ में आता है कि जहां पर भी हमें कॉनकेव सतह दिख रही है, अवतल सतह दिख रही है, वहां पे क्या होगा जो किरणें आएंगी, लाइट रेज आएंगी, वो कन्वर्ज हो जाएंगी, एक जगह जाके इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर वहां पे सिग्नल कैसा होगा हमें क्लियरली दिखेगा, या जो भी चीज हम देखना चाहते हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होगी, क्योंकि इमेज एनलार्ज बनने लगेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डेंटिस्ट है जिसने कि ये कॉनकेव मिरर यूज किया हुआ है, और इस इमेज में वो अंदर के टीथ को देख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई और मिरर यूज करेंगे तो इतनी क्लियर इमेज विजिबल नहीं होगी। फिर ये शेविंग मिरर है जिसमें कि शेव कर रहे हैं वो देख के प्रिसाइजन के साथ। अब हमारा ये स्फेरिकल मिरर में लास्ट मिरर ये हमारा बस है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव अगर हमारा कन्वर्जिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर या फिर अपसारी दर्पण होता है। इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेचारा सीधा सच्चा सा इंसान है, सॉरी इंसान नहीं मतलब दर्पण है। ये क्या करता है, ये हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा इमेज बना देता है। कहते हैं भाई मैं तो इधर तीनता नहीं फंसूंगा, मैं तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे मिरर का हम क्या यूज करेंगे, तो हर चीज का अपना कोई ना कोई काम होता है, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इसका भी यूजेस है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग रियर व्यू या साइड व्यू, बगल के वाहनों को या पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, डाइवर्जिंग का मतलब, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि उसका भूखा पेट था, जो आ रहा था वो ला ला के ला ला के ला ला के रख रहा था। इसका क्या है, पेट अब भर चुका है, इसकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, तो अब इसने क्या किया, रेज आई बाहर फेंक दिया, रेज आई बाहर फेंक दिया, मतलब क्या हुआ, अब ये डाइवर्ज कर रहा है, अब तुम ले जाओ जो आ रहा है ले जाओ। तो फिर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तो तभी होगी जब दो रेज आपस में एक दूसरे को कट करेंगी। तो सेम प्लेन मिरर वाला हम काम करेंगे कि भाई यहाँ तो मिल नहीं रहा है तो हम पीछे ले जाके इसको मिला देंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये मिरर के पीछे इमेज बन रही है, और जब भी मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो इमेज हमारी कैसी होगी,
वर्चुअल होगी या आभासी होगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। तो सेम वही चीज है, कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, रेस को डाइवर्स कर दे रहा है, अपसार कर दे रहा है, वापस भेज दे रहा है कि हमें नहीं चाहिए, यहाँ हाउसफुल है। तो उस कंडीशन में वर्चुअल सीधी और हमेशा छोटी इमेज बनेगी। यूज क्या होता है, पहला तो देखा हमने रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर। अब इसको देखो, याद कैसे करना है कि अब भाई पीछे लंबी वाहन की कतारें लगी हुई हैं, अब अगर बड़ी बड़ी फोटो आपके मिरर पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ तो दिखाई पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे हमें ये भी नहीं देखना है कि अच्छा पीछे वाली गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी का क्या है, इतना हमें प्रिसाइजन के साथ नहीं देखना है। वहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक कोई कार पीछे से आ रही है जो कि हमसे इतनी डिस्टेंस पर है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, हम जो है कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे। मतलब कोई भी चीज जो हमें दूर से देखनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर। तो अब जैसे देखो ये क्या है, साइड में साइड व्यू मिरर है कार का, इसमें आप देखो कि इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया और इसमें एक दूर तक दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी हमें किसी दूर की चीजों को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या अवतल दर्पण का, सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये एक शॉप सिक्योरिटी कैम जगह पे इसको इंस्टॉल किया गया है। एक कोई ये बड़ी सी शॉप है क्योंकि कपड़ों की दुकान है, और यहाँ पे क्या है, प्रॉपर हमें देखना है कि कहाँ पे जो है कौन खड़ा है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कपड़ा उठा रहा है, जेब में कोई चीज़ डाल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमें बड़े एरिया को देखना होता है, बड़े एरिया को हमें इंस्पेक्ट करना होता है, उसका इंस्पेक्शन करना होता है, नज़र रखनी होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इस उत्तल दर्पण के प्रयोग से हम लार्ज एरिया को देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज तीन टाइप के मिरर्स देखे। पहला था हमारा समतल दर्पण या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा था, इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगी, और उतनी ही दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो मिरर इमेज भी आपके पास आती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, टोटल डिस्टेंस 4 मीटर। अगर ये 1 मीटर आगे खिसकेगा तो ये इमेज भी 1 मीटर आगे खिसकेगी। उसके बाद हमने कॉनकेव मिरर देखा। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसको यूज करते हैं जब हम, इसका मेनली यूज हमने इस वाले पॉइंट को देखा था, यहाँ पे इसका यूज होता है जब हमें किसी चीज को प्रिसाइजली देखना होता है, बड़े रूप में देखना होता है। यही वो पोर्शन है जहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान देखनी है कि कॉनकेव मिरर कब यूज होगा, जब हमें किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना होगा, उसकी बड़ी इमेज देखनी होगी। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ से यूज देखेंगे, जब हमें लार्ज एरिया को देखना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद फिर लाइट के फिनोमेना को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।